देंगे अगली खबर का। एमपी के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के कुटघान गांव में 40 वर्षीय महिला अपने ही घर के बाड़े में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली है। वहीं मृतक महिला के भाई का आरोप है कि महिला को पड़ोस में रहने वाले दबंग मकान खाली करने के लिए कई महीनों से परेशान कर रहे थे और उन्होंने ही महिला को मारकर शव को लटका दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतका का बेटा भी 6 महीने पहले दबंगों के दबाव में आत्महत्या कर चुका है। मामले की कई बार पुलिस में शिकायत भी की गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मृतक महिला के 14 साल के भतीजे का कहना है कि 2 दिन पहले भी पड़ोस के ही दबंगों ने आकर महिला को मकान खाली करने की धमकी दी थी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। एक महीने पहले नामजद जो आरोपियों द्वारा उसको अवगत किया गया था, उसके बाद काफी लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद पीआई ने इसकी एफआईआर की बहुत ही मुश्किल से। उसके बाद एसपी साहब से मिले था और उसके बाद टीआई साहब ने इतना पैसा खाया है कि आज 1 महीने से 2-4 दिन ऊपर ही हो गए होंगे, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। टीआई साहब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर कहीं ईमानदारी है जाँच की जाए, उसमें जितने भी आरोपी इसमें सम्मिलित है उन सबके खिलाफ 300 का मुकदमा। गांव से एक ये लड़की 13-14 अगस्त में लापता हुई थी और इसको लेके थाना सिविल लाइंस में एक प्रकरण भी दर्ज हुआ था जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इस लड़की की बॉडी कोरसा के पास मिली है जिसको लेके आज इसके परिजन यहाँ कलेक्ट्रेट में आए थे और उनका ये आरोप था कि इसमें जो विवेचक हैं टीआई सिविल लाइंस उनके द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है और दूसरा इसमें उन्होंने इसके मर्डर की आशंका व्यक्त की है। एसपी के नेतृत्व में यह इस घटना के सभी पहलुओं पर जांच करेगी। इनके परिजनों के पुनः बयान दर्ज करेगी।